हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जब रिन्यूअल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका ऑनलाइन माध्यम से आया था तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपका ऑफलाइन माध्यम से आया था, ऑफलाइन आया था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो गाइज, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, और अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप यूनिक आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जब आप यूनिक आईडी और पासवर्ड डालने के बाद और ये कैप्चा यहाँ डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। तो यहीं से आप जो है नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहीं से रिन्यूअल करेंगे। तो हमें रिन्यूअल करना है तो हम दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें हमें सबसे पहले वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आया था या ऑफलाइन आया था। तो दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन आया था तो आपको जो है यहाँ पहले वाले पर क्लिक करना है, और अगर ऑफलाइन आया था तो आपको दूसरे वाले पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे हमारा ऑनलाइन आया था ऑनलाइन माध्यम से, तो हम पहले वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन जिसका आया था उसके अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जिसका ऑफलाइन आया था सर्टिफिकेट उसके अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो हम पहले ऑनलाइन वाले के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन आया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। तो आपके दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, एक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक ग्रीन कार्ड। तो ये दोनों आपके अपलोड होंगे, और दोस्तों आपको जो है पीडीएफ में इसको स्कैन करके अपलोड करना है। ये सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिनका ऑनलाइन माध्यम से आया था। तो हमारे ये दोनों अपलोड हो गए हैं। जैसे हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सक्सेस लिख के आ गया। तो इस तरीके से जो है हम ऑनलाइन वाले के अपलोड कर सकते हैं। अब बात आती है जिसका ऑफलाइन आया था, तो वो यहाँ थिरो ऑफलाइन वोट पर क्लिक करेगा, तो उसको भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो उसमें सबसे पहले अपलोड फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी अपनी फार्मेसी की। उसके बाद आपको जो है कॉलेज अप्रूवल लेटर अपलोड करना होगा। कॉलेज अप्रूवल लेटर किस तरीके से बनता है इसके ऊपर हमने वीडियो बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये दोनों अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका JPG या JPEG में होना चाहिए, और इसका साइज़ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर के साइज़ भी नीचे लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, और इसके बाद नीचे सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इसमें आप दोबारा से हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, और इंटरमीडिएट में आपको इंटरमीडिएट की जो है मार्कशीट अपलोड करनी है, और सर्टिफिकेट जो है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, इसमें दोबारा से आप जो है इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपना प्रोवेनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कॉलेज की तरफ से मिलेगा, और ये अपलोड होने के बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ये अपलोड करने के बाद आपको अपनी एक आईडी प्रूफ अपलोड करनी है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह। उसके बाद नीचे आप आएंगे, आपको एक एफिडेविट अपलोड करना है। एफिडेविट कैसे बनेगा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने बता रखा है कि किस तरीके से एफिडेविट बनता है। और एफिडेविट बनने के अपलोड करने के बाद आपको जो है अपनी ग्रीन बुक अपलोड करनी है, और उसके बाद आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ डिक्लेरेशन लगी है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि आपका अगर ऑनलाइन माध्यम से आया था तो रिन्यूअल के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ऑफलाइन आया था तब जो है रिन्यूअल के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।